हेलो एवरीवन कैसे हैं हम सभी दोस्तों आज है हमारा जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट लॉजिकल चैलेंज तो इस चैलेंज को हम पहले समझ लेते हैं है क्या हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है छोटा सा जिसमें हम कोई स्ट्रिंग एज अ इनपुट पास करेंगे उसमें से हमने वॉवल स्ट्रिंग कोई भी जो हमारे पास वॉवल करेक्टर्स होते हैं उसको फाइंड करना है साथ में कंडीशन ये है अपर केस एंड लोअर केस दोनों को फाइंड करेगा अगर यहाँ पे बॉबल जितने भी करेक्टर है ऐसे लिखे हो कैपिटल लेटर में वो उसके लिए अलग से काउंट करेगा अगर स्मॉल लेटर में है तो उसको अलग से काउंट करेगा चलिए स्टार्ट करते हैं कोड इसका बहुत ही छोटा सा होगा बस आपको ये प्रॉब्लम समझ नहीं आनी चाहिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट से इसमें कोई भी एच का काम नहीं है जस्ट एक फंक्शन क्रिएट करेंगे एबीसी नाम से कोई भी आपने एस पैरामीटर पास करना है क्योंकि स्ट्रिंग पास करेंगे हम जहां पे एक काउंट क्रिएट करते हैं हमने खुद से सारे के सारे वोवल्स एड करने हैं इसको कैसे पता चलेगा कौन से हमने करेक्टर्स फाइंड करने हैं? तो सारे के सारे वोवल्स यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे ए आई ओ यू इसके बाद लेट करते हैं एक काउंट अब यहाँ पे जो भी काउंटिंग होगी इसको आपने जीरो से स्टार्ट करना है ताकि हमारे पास पहले से कोई भी करेक्टर काउंट ना हो जीरो से वैल्यू स्टार्ट करेंगे जो स्ट्रिंग में से हम फाइंड करेंगे करैक्टर्स फॉर लूप लगेगी हमेशा फॉर लूप के साथ इसको हम क्रिएट करते हैं पहले हम ऐसा करते हैं फॉर लूप कैसे वर्क करेगी पहले एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं इनपुट स्ट्रिंग नाम इसको दे देते हैं पहले हम अपनी तरफ से एक स्ट्रिंग ऐड करते हैं हेलो कोई भी रख देते हैं हाउ मेनी चलिए यही रख देते हैं हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन दिस सेंटेंस आपने कोई भी एक स्ट्रिंग पास करनी है क्योंकि उनकी पहली कंडीशन क्या है एक हमें स्ट्रिंग पास करनी है एज अ इनपुट तो हमारे पास ये होगी स्ट्रिंग इसमें से हम इसको बोलेंगे जो मेरे पास ये वाले बॉबल है चेक करो इसमें कितने हैं बस ये हमारा एक छोटा सा चैलेंज है कॉस्ट क्रिएट करते हैं एक इसका नाम हम बॉबल काउंट रख देते हैं यहाँ पे जो मेरे पास काउंट आ, मेरे पास जो फंक्शन नेम है एबीसी नाम से उसको जस्ट हम बोलेंगे चेक करो इस स्ट्रिंग में से तो आपने अपनी वाली स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर देंगे अब क्या होगा जब भी मेरे पास कोई भी फंक्शन वर्क करेगा तो पहले यहाँ पे स्ट्रिंग जे वाली स्ट्रिंग है वो हमारे पास आउटपुट में यही दिखेगी लेकिन मैं चाहती हूँ अगर हम जे वाला फंक्शन पास नहीं करेंगे ना आपके पास जो आउटपुट आएगी डायरेक्ट वही आएगी जो हमने स्ट्रिंग लिखी हुई है पहले मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे कंजोल में आते हैं अभी हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास इधर एरर है तो मैं अभी इसको हटा रही हूं यहाँ पे आते हैं इधर हमारे पास जो भी आउटपुट आएगी डायरेक्ट मेरे पास ये आनी चाहिए जो हमने स्ट्रिंग पास की है इसको आप यहां से हटा के डायरेक्ट करा दो प्रिंट आउटपुट नहीं आई हमें अच्छा जहाँ पे हमने कंजोल में लगाया ही नहीं है तो कंजोल डॉट लॉग में जाके जस्ट प्रिंट करा दो इधर अपना वेरिएबल वेरिएबल कौन सा प्रिंट कराना है जे वाला इसको रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास डायरेक्ट स्ट्रिंग प्रिंट हो गई जो हमने लिखी है अब हमने प्रिंट तो करवानी है लेकिन उनमें से वॉबल काउंट करके प्रिंट करानी है तो इसको हम बोलेंगे फॉर लूप के साथ एक लूप लगेगी वर्क कैसे करेगा लेट बोलते हैं इसको करेक्टर लेट कैर मतलब वहां से वो चेक करेगा करेक्टर यहाँ पे एच चेक किया उसने पहले लूप एच पे आएगी फिर ई पे फिर एल पे फिर से एल पे फिर ओ पे जाएगी फिर कॉमा पे जाएगी फिर वाइट स्पेस जो स्पेस है वो काउंट करेगा फिर से एच पे जाएगी ऐसे लूप के साथ एक, -एक करेक्टर कोर कहा से चेक करनी है एस टी आर से तो एस टी आर वहां पे टू लोअर केस इसको एड करो क्योंकि उन्होंने कंडीशन हमें बोला हुआ है लोअर केस को हमने अलग से काउंट करना है अपर केस को अलग से काउंट करना है तो हम इसको बोलेंगे टू लोअर केस में चेक करो इसको इफ अगर मेरे पास वॉवल्स जो है इनक्ल्यूड्स है बस ये वाला आपने कीवर्ड लगाना है इनक्ल्यूड्स क्या है इनक्ल्यूड्स का मतलब है अगर ये वाले वॉवल्स अगर ये वाले जो भी इसमें लिखा हुआ है अगर वो करेक्टर के साथ मैच कर गए इनक्ल्यूड्स का मतलब है अगर जे वाले इसमें है ठीक है तो हमें यहाँ पे प्रिंट करा दो काउंट को काउंट को बस प्लस प्लस कर दो इतना सा काम है साथ में रिटर्न कर दो काउंट को ये मेरे पास होगी आउटपुट अब मेरे पास जो आउटपुट आनी है डायरेक्ट वही आएगी स्ट्रिंग। आपने अब इसको बोलना है एबीसी पास करो आपके फंक्शन का नाम तो मैं जहाँ पे लिखूंगी एबीसी फंक्शन अब जो एबीसी में हमने लॉजिक लगाया है अब वो वर्क में आएगा तब हमारे पास काउंटिंग आनी है फिफ्टी अब मैं जहाँ पे काउंट करके दिखाती हूँ एक मेरे पास ये है एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस ग्यारह तेरह चौदह पंद्रह ठीक है हमारे पास फिफ्टीन है टोटल ठीक है जितने भी हमारे पास वॉवल्स है वो हमें परफेक्ट मिल रहे हैं अब इसको चेंज करते हैं कुछ भी पास कर रही हो अब इसमें कुछ भी नहीं है कोई है ही नहीं हमारे पास करेक्टर जो हमने वॉवल्स में लिखा हुआ है तो यहाँ पे जीरो आएगा अब हमें जहाँ पे अपनी तरफ से कोई ऐड कर देती हूँ बॉबल वाला एक करेक्टर और मेरे पास वन वैल्यू आएगी तो ये था हमारा आज का छोटा सा चैलेंज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में